हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये थ्योरी आपकी एग्जिट एग्जाम के लिए शॉर्ट थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं, वही थ्योरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, पहले हम आपको चैप्टर नंबर 6 की शॉर्ट थ्योरी के बारे में बताएंगे, थोड़ा क्लासिफिकेशन बताएंगे, फिर उसके बाद इसका मल्टीपल चॉइस का सेकंड वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक देव फार्मेसी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई है, और दोस्तों आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपके एग्जिट एग्ज़ाम जो होगा उसका कोर्स मतलब पूरा मेंटेन किया गया है। और उसके बाद दोस्तों, डी फॉर्म सेकेंड ईयर का भी कोर्स स्टार्ट है, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, वहाँ पर सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आपको ख़रीदना है आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 6 एग्जिट एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट थ्योरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें बात करेंगे आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है 6 वाला, ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये शॉर्ट वीडियो पूरी देख ली तो उसके बाद दोस्तों जो भी आपका कन्फ्यूज़न है सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे, एक चार्ट बना हुआ है नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, नर्वस सिस्टम जो होता है वह टू टाइप का आपका होता है। एक होता है CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम टू टाइप का होता है, एक होता है आपका CNS, एक होता है PNS। और CNS के अंदर आपके ब्रेन आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और मतलब PNS के अंदर आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब ANS आ जाता है, और SNS आ जाता है मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो दोस्तों, आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है ANS, मतलब PNS का पार्ट ANS पढ़ना है। तो दोस्तों, और सब मतलब यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए उनको नहीं पढ़ना है आपको, इसको पढ़ना है केवल ANS को, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वह होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे जो हमारा हार्ट पंप करता है तो इस पर मेरा कंट्रोल थोड़ी ना है कि हम इसको रोक लेंगे। तो दोस्तों, जैसे यूरिन फॉर्मेशन, अगर किसी को मतलब टॉयलेट लगी है तो दोस्तों उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता है कि वह टॉयलेट को रोक सके। तो दोस्तों, यही सब पार्ट आपके आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर जो ANS होता है आपका, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, वह आपका टू टाइप का होता है। एक तो आपका होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिंपैथेटिक। तो दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपके टॉपिक होंगे उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये चार्ट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि नर्वस सिस्टम टू टाइप का होता है, एक CNS, एक PNS। PNS के टू टाइप होते हैं, एक ANS और एक SNS। तो दोस्तों, ANS के टू टाइप होंगे मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, जब किसी प्रकार की फाइट होती है, फेयर होता है और फ्लाइट होती है, मतलब किसी प्रकार की किसी की लड़ाई हो जाती है या किसी प्रकार का कोई डर होता है, तो इस टाइम जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब लड़ाई के टाइम, मतलब फ्लाइट के टाइम जो है और फाइट के टाइम जो है दोस्तों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, रिस्पायरेशन बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, ऑक्सीजन डिमांड बॉडी में बढ़ जाएगी और डाइजेशन रुक जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि दोस्तों, जब कोई भाग रहा होता है कि या किसी को डर लग रहा होता है तो उस टाइम ऐसा थोड़ी ना किसी को भूख लगी हो या डाइजेशन स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल दोस्तों, इसमें हार्ट रेट बढ़ेगा, रिस्पायरेशन बढ़ जाएगी, जो पल्स रेट होगी वह बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा डर के मारे। तो दोस्तों, ये आपका होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब दोस्तों, आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। मतलब सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होंगे, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कॉपी करेंगे। मतलब सिंपैथेटिक एक्शन को जो ड्रग मिमिक करती हैं, मतलब कॉपी करती हैं, उनको सिंपैथोमिमेटिक ड्रग या एडिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। और एडिनर्जिक जो ड्रग होती हैं वह आपकी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर पर बढ़ करके अपना एक्शन शो करती हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर होते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बहुत से रिसेप्टर होते हैं
तो उन रिसेप्टर पर ये वर्क करती हैं। और इनका शॉर्ट में आपको केवल क्लासिफिकेशन देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो है, मतलब जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन में पहला हेडिंग है प्रेशर ऑर्गन, जिसमें आपकी ड्रग आती है डोपामीन हो गई, और उसके बाद नॉर एड्रीनालिन, इफाइनफ्रीन और फिनाइलफ्रीन ड्रग आ जाएगी, और कार्डियक स्टिमुलेट के अंदर एड्रीनालिन, आइसोप्रीनालिन, डोब्यूटामिन ड्रग आ जाती है। और थर्ड वाला क्लास है आपका ब्रोंकोडायलेटर, तो ब्रोंकोडायलेटर के अंदर आइसोप्रीनालिन हो गई, शाल्मिट्रोल हो गई, सल्ब्यूटामोल हो गई, एल्बुट्रोल हो गई और टर्ब्यूटालिन, ये आपकी ब्रोंकोडायलेटर के अंदर ड्रग्स आती हैं थर्ड वाले क्लास के अंदर। फिर सीएनएस स्टिमुलेंट्स के अंदर एम्फीटामिन हो गई, और उसके बाद मिथामफीटामिन हो गई ड्रग, और उसके बाद डेक्सामफीटामिन ड्रग आ जाती है सीएनएस स्टिमुलेट के अंदर। और उसके बाद दोस्तों जो आपके मतलब रिसेप्टर होते हैं उनकी लोकेशन के बारे में हमने बात किया है कि मतलब जो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू रिसेप्टर होते हैं वे कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अल्फ़ा वन जो रिसेप्टर होता है वह आपका स्मूथ मसल में प्रेजेंट होगा, हार्ट में प्रेजेंट होगा, ब्लेडर में प्रेजेंट होगा, स्प्लिन में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद यूट्रस में प्रेजेंट होता है। और जो अल्फ़ा टू रिसेप्टर होता है वह ब्लड वेसल हो गए, प्लेटलेट्स हो गए और पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होगा, तो इनको आप याद रखेंगे। अब आपने एडिनर्जिक ड्रग देख ली, उसके बाद अब आप पढ़ेंगे एंटी एडिनर्जिक ड्रग, जिनको एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है, मतलब जो ड्रग एड्रिनर्जिक ड्रग के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। मतलब अभी तक आपने ऊपर जो पढ़ा था टॉपिक, उसके जो भी एक्शन थे उनको जो ब्लॉक करने का वर्क करेंगी उनको एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग कहा जाता है। और इसका क्लासिफिकेशन, तो इनका क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्टिंग है, नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा वन, उसके बाद अल्फ़ा टू ब्लॉकर, जिसमें फिनॉक्सीबेंजामिन ड्रग आ जाएगी, अर्गोटॉक्सिन आ जाएगी, अर्गोटामिन, और उसके बाद टोलाजोलिन आ जाएगी और पेंटोलामीन ड्रग आ जाती है। ये आपकी नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू ब्लॉकर ड्रग होती हैं। और उसके बाद सिलेक्टिव अल्फ़ा वन ब्लॉकर, केवल अल्फ़ा वन ब्लॉकर कौन से ड्रग होती हैं, जैसे प्राजोसिन हो गई, टेराजोसिन हो गई, डोक्साजोसिन हो गए, और उसके बाद टेमोलसिन ड्रग हो गई आपके सिलेक्टिव अल्फ़ा वन ब्लॉकर के अंदर। और अल्फ़ा टू ब्लॉकर जो होती है, अल्फ़ा टू जो ड्रग होती है, मतलब अल्फ़ा टू रिसेप्टर पर केवल वर्क करेंगी, योहम्बीन, मतलब जो योहम्बीन ड्रग होगी वह आपकी अल्फ़ा टू रिसेप्टर पर वर्क करेगी। फिर बात करेंगे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर के बारे में। अब आपके जो बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होती हैं, मतलब जो बीटा वन रिसेप्टर पर वर्क करेंगी, बीटा टू पर वर्क करेंगी, बीटा थ्री पर वर्क करेंगी, तो उन ड्रग के बारे में एक बार देख लेना है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों पूछ लेगा कि दोस्तों बीटा वन का एग्ज़ाम्पल है, मतलब बीटा वन एडिनर्जिक ब्लॉकर कौन सी ड्रग होती है, तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको मतलब अगर पता होगा तो आप टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मतलब शॉर्ट में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़ना है, मल्टीपल भी पढ़ना है, तो इसीलिए दोस्तों अगर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो दोस्तों नॉन सिलेक्टिव बीटा वन बीटा टू ब्लॉकर ड्रग कौन सी होती है, प्रोपेनोलॉल हो गई, टीमोलॉल हो गई और सोटालॉल ड्रग आ जाती है इसके अंदर। सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स, इसमें मिटाप्रोलॉल हो गई ड्रग, एटीनोलॉल हो गई। सिलेक्टिव बीटा टू ब्लॉकर्स ड्रग ब्यूटोएग्जामिन ड्रग आ जाती है। और दोस्तों इन ड्रग को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों लेबिटालोल, कार्बिडोलोल, मतलब अल्फ़ा और बीटा, मतलब कंबाइंड ब्लॉकर ड्रग जो होती हैं लेबिटालोल और कार्बिडोलोल। तो दोस्तों ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। फिर आप एक टॉपिक देख लेंगे कोलिनर्जिक ड्रग, जिनको कहा जाता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग पैरासिम्पैथेटिक की तरह वर्क करती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक आपको पता ही होगा, जैसे जिसमें पपिल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगी, मतलब पर्सन जो है रिलैक्स की कंडीशन में जब आ जाता है तो भाई कंडीशन आपकी होती है पैरासिम्पैथेटिक। तो दोस्तों इन ड्रग का यूज़ करने के बाद क्या होता है, जो पपिल होती हैं वह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सलाइवेशन, मतलब मुँह के अंदर सलाइवा आने लगता है, पहले मतलब डर लगता है तो सलाइवा भी नहीं आता है। तो दोस्तों सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट रेट घट जाएगी, तो ये सब आपकी कंडीशन होती है पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन। और दोस्तों जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक की मिमिक्री करती हैं ये ड्रग।
और इसमें क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। और दोस्तों ये जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी इनके भी कुछ रिसेप्टर होते हैं। तो दोस्तों ये किस रिसेप्टर पर वर्क करेंगी, एक तो होता है इसका निकोटिनिक और उसके बाद एक होता है इसका मस्करेनिक। तो दोस्तों निकोटिनिक में आ जाता है आपका NNNM और उसके बाद मस्करेनिक में M1, M2, M3, M4, M5 आ जाता है। तो दोस्तों जो NN होता है तो दोस्तों इसमें क्या आता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया आ जाता है, और NM में ऑटोनोमिक जो आपका मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वह NM के अंदर आ जाते हैं। और M1 रिसेप्टर कहाँ पर होता है, गैस्ट्रिक में होता है। M2 जो होता है वह हार्ट के अंदर होता है। M3 जो होता है स्मूथ मसल के अंदर होता है। और दोस्तों जो M4 होता है ये सब में प्रेजेंट होता है, मतलब गैस्ट्रिक में भी होगा, हेड में भी होगा, स्मूथ मसल में भी होगा। और उसके बाद दोस्तों M5 जो होता है वह आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये आपका कोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन है ना, तो दोस्तों आप कोलिनर्जिक के क्लासिफिकेशन को पढ़ लेंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट मतलब ये ड्रग्स जो होती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एसिटाइल कोलिन की तरह वर्क करती हैं, जो आपकी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं, जिसमें आपकी ड्रग आ जाएगी एसिटाइल कोलिन आ जाएगा, मिथाकोलिन आ जाएगा, कार्बाकोल आ जाएगा, पिलोकार्पिन आ जाती है, मस्करेनिक ड्रग आ जाती हैं इसके अंदर। फिर सेकेंड क्लास इसमें बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, जिसको कहते हैं कोलिन स्ट्रेस इनबिटर, मतलब ये ड्रग कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनबिट कर देती हैं, जो कि एसिटाइल को इनएक्टिवेट करने का वर्क करती हैं। जैसे इसमें फाइसोस्टिग्मिन ड्रग आ जाएगी, नियोस्टिग्मिन आ जाएगी, और उसके बाद पाइरिडोस्टिग्मिन ड्रग आ जाएगी, टैक्रिन, ये सब आपकी कोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन हो गया। फिर दोस्तों एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, तो दोस्तों इनके बारे में बात करेंगे। तो एंटी से पता लग रहा होगा कि दोस्तों जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन होते हैं उनको रोकने का जो ड्रग वर्क करेंगे उनको क्या कहते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। और दोस्तों इनको अदर नेम से भी जाना जाता है पैरासिम्पैथोलाइटिक, मतलब पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स जो होती हैं वह आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। तो दोस्तों यह क्या करती हैं ड्रग्स, तो दोस्तों ये ड्रग्स करती हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन को मतलब रोक देती हैं, और उसके बाद दोस्तों जो एसिटाइल कोलिन है उसके एक्शन को रोक देंगी। तो दोस्तों इन ड्रग को कहेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। और दोस्तों इनका क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में आपका लिखा हुआ है जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं जैसे एंटी मस्करेनिक एजेंट पर जो वर्क करेंगी, मतलब मस्करेनिक एजेंट के जो भी मतलब वर्किंग एरिया है वहाँ पर जो भी ड्रग वर्क कर रही हैं वहाँ पर रोकने का वर्क करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट वर्क करती है ना कोलिनर्जिक के। तो इसमें स्कोपोलामीन जिसको हायोसिन ड्रग कहा जाता है, मतलब पहला वाला यहाँ पर टाइप गलत हो गया है, तो दोस्तों ये वाला आपका स्कोपोलामीन ड्रग हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों सेमी सिंथेटिक में आपकी एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगी, हायोसिन ब्यूटाइल जो आपकी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होती है वह ड्रग आ जाएगी, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगी, और उसके बाद होमाट्रोपियम ड्रग आ जाती है सेमी सिंथेटिक के अंदर। और सिंथेटिक में आपकी ड्रग आएंगी जो मेडाटिक्स वाली ड्रग होंगी, जैसे साइक्लोपेंटोलिक ड्रग हो गई और ट्रोपिकामाइड ड्रग हो गई, ये आपकी आ जाएगी सिंथेटिक के अंदर। एंटी स्पास्मोडिक में आपकी आती हैं टू टाइप की, एक तो क्वार्टरनरी कंपाउंड आते हैं और उसके बाद एक आपके आते हैं टर्शियरी अमीन्स। तो दोस्तों क्वार्टरनरी कंपाउंड में आपका प्रोपेंथेलिन आ जाएगा और उसके बाद क्लेनिडियम आ जाएगा, और उसके बाद डाइसाइक्लोमीन ड्रग आ जाएगी आपकी टर्शियरी अमीन्स के अंदर, और उसके बाद प्रिंसिपिन ड्रग आ जाएगी आपकी टर्शियरी अमीन्स के अंदर। तो दोस्तों इनका केवल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है, जिससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसे आपका जो भी ड्रग अगर पूछे जाएगा, जैसे आपका पूछा गया अगर ड्रग एंटी मस्करेनिक एजेंट कौन सी ड्रग होती है, तो इसको स्कोपोलामाइन अगर आपने पढ़ी होगी तो आप लोग बता पाएंगे। और उसके बाद अगर आपको थ्योरी पता है, जैसे कोलिनर्जी का ही कोई डेफिनेशन लिख दिया, यानी विच ड्रग्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो दोस्तों आपको अगर थ्योरी पता होगी तभी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑप्शन लिखे होंगे लेकिन ऑप्शन भी तो तभी हो पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना।